दोस्तों हम आज देखिए स्विफ्ट स्विफ्ट का म्यूजिक सिस्टम है जो गाड़ी में लग के आता है, कंपनी वाला फिट कर देता है। ये इसमें कस्टमर ने बोला इसमें यूएसबी पैनल लगाने के लिए। ये हमने पैनल नया पैनल लेके आया, तो इसको हम यहाँ पे लगाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा हुआ है, तो हम इस बॉडी को ऐसे कट करेंगे। कट करने के बाद हम कनेक्शन करेंगे। वैसे तो ये रनिंग है, ठीक है, ये सीडी सिस्टम था। देखिए अभी हम इसमें यूएसबी ब्लूटूथ पैनल ऐसे लगाएंगे। देखिए ये हम इसमें लगाएंगे, इसमें देखिए ये स्विफ्ट में रहता है, मारुति का जो स्विफ्ट है उसमें रहता है। तो हम इसमें ब्लूटूथ लगाते हैं कैसे, देखिए आप। पहले हम इसको कट कर लेते हैं। मैंने इसको कट कर दिया, देखिए। अभी इस पैनल को हम यहाँ पे बैठा के देखेंगे हमारा कट बराबर हुआ कि नहीं। देखिए बढ़िया से फिटिंग भी हो गया। अभी इसको हम स्क्रू लगाएंगे, दो स्क्रू लगाने के बाद हम इसका कनेक्शन करेंगे। तब तक चैनल पे बने रहिए और लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहे। ठीक है, मैं इसको अभी इसका दोनों साइड में स्क्रू लगाऊंगा, उसके बाद कनेक्शन करूंगा। ये देखिए ये इसका, तो देखिए इसका मैंने ये इसका जो कनेक्टर है तो इसमें हमने कनेक्शन लगा दिया है। ये हमारा लाल वाला तार जो है ये हमारा FM का है, ये हमें ज़रूरत नहीं है इसको, तो इसको हम काट देते हैं, ये नहीं चाहिए। ये हमारा लेफ्ट राइट वाला ऑडियो है, ये हमारा वोल्टेज है, ठीक है। और लेफ्ट राइट वाला ऑडियो हम कहाँ से देंगे आपको दिखाते हैं। पहले हम इसको यहाँ पर लगा लेते हैं और देखते हैं पीछे में। ये देखिए पीछे बढ़िया से हम इसका कनेक्शन कर देंगे। पहले इसका हम फ्रंट पैनल खोलना होगा, तो पहले फ्रंट वाला पैनल खोल लेते हैं। खोलने के बाद मिलते हैं। तो दोस्तों हमको ऑडियो कहाँ पे देना है, देखिए यहाँ पे, यहाँ से एक बर्जर साउंड आएगा। तो मैंने मीटर को बर्जर पे सेट कर लिया, ये हमारा बर्जर वाला साउंड आ गया। तो हमको क्या देना, कहाँ से देना है, देखिए यहाँ पे जो USB का, यहाँ पे जो ऑक्स का सॉकेट है, इस सॉकेट से हमको कहाँ पे जाना है, देखिए यहाँ पे दो कनेक्शन है। एक कनेक्शन हमारा मिल गया, ये हमारा लेफ्ट का है, और उसके बाद एक ग्राउंड है, ये वाला ग्राउंड है, ठीक है। तो इसके साइड में ये वाला राइट है, ठीक है। ये दोनों हमारा लेफ्ट राइट का कनेक्शन है, और ये वाला हमारा ग्राउंड है, ठीक है। तो देखिए ये दोनों ऑक्स का कनेक्शन निकालने वाले हैं, लेफ्ट राइट, और ये हमारा ग्राउंड है। तो हम यहाँ पे ग्राउंड दे देंगे और ये वाला लेफ्ट राइट का दे देंगे। तो हम इसको पहले कनेक्शन कर लेते हैं। पहले हम इसका इस पैनल को अच्छी तरह से यहाँ पे बैठा लेते हैं, उसके बाद हम इसका कनेक्शन भी करेंगे। यहाँ पे दो स्क्रू लगा देंगे हम। ये हमने स्क्रू ले लिया, ये हमने दो स्क्रू ले लिया, ठीक है।
तो इसी स्क्रू को हम कैसे लगाएंगे, हम यहाँ पे पहले मार्क करेंगे, हमने इसको मार्क कर दिया। अभी हम इस स्क्रू को यहाँ पे आयरन से प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद ये अपने आप लग जाएगा। ये गर्म भी होगा, धीरे धीरे लग भी जाएगा। तो देखिए हमने इसमें स्क्रू लगा दिया, देखिए बढ़िया से फिट हो गया, ठीक है। अभी हम इसको कनेक्शन करेंगे, कनेक्शन हम कैसे करेंगे आपको दिखाते हैं। ये हमारा बीच वाला है ग्राउंड, तो ग्राउंड को हम यहाँ पे देंगे, ये हमारा बीच वाला कनेक्शन है। हम पहले हम ग्राउंड को दे लेंगे, ये हमारा ग्राउंड का कनेक्शन है। और ये हमारा लेफ्ट राइट का कनेक्शन है। ये देखिए हमारा लेफ्ट का कनेक्शन हो गया और ग्राउंड का भी कनेक्शन हो गया, ठीक है। तो हम अभी इसमें देंगे 5 वोल्ट सप्लाई, 5 वोल्ट सप्लाई देने के बाद ही हम चेक करेंगे हमारा बराबर काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। ये हमने 5 वोल्ट का LM ले लिया, तो इसको हम यहाँ पे बिठा देंगे, यहाँ पे कहीं पे बिठा देंगे। बिठा देने के बाद तो हम इसमें पावर सप्लाई का कनेक्शन देंगे, यहाँ पे बिठाने से अच्छा होता है, हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों हमने इसका पावर कहाँ से लिया, देखिए इधर अंदर से मैंने इसका पॉजिटिव सेक्शन, पॉजिटिव वाला कनेक्शन लिया, तो हमारा ये वाला होगा पॉजिटिव का पॉइंट इस साइड में, ये हमारा पॉजिटिव का पॉइंट है। तो पॉजिटिव का कनेक्शन हम कर लेते हैं, थोड़ा छोटा ही कर दिया, ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए। ये हमारा पॉजिटिव का कनेक्शन हो गया, ये हमारा आउटपुट है जो इस साइड में, ये वाला साइड का जो है ये
आउटपुट का कनेक्शन है। देखिए मैंने इसमें एक सिलिकॉन चढ़ा दिया ताकि हमारा इधर उधर ना टकराए, ठीक है। अभी हम इसमें से वोल्टेज निकालेंगे जो कि हमारा सामने वाला पैनल में जाएगा। तो दोस्तों हमने इसमें जो ग्राउंड लगता था इस एलएम में, तो ग्राउंड हमने इस यहाँ से दे दिया, कहीं से भी दे देख सकते हैं ग्राउंड। ये हमारा हमने यहाँ से ग्राउंड ले लिया, ये हमारा ग्राउंड निकल गया, ठीक है। अभी ये जो दो नेगेटिव पॉजिटिव है ये दोनों सामने वाला पैनल में जाएगा। तो अच्छी तरह से हम इसको सामने ले जाएंगे। दो दोस्तों हमने इसका कनेक्शन भी कर दिया, देखिए ये पीछे से इसका हमने कनेक्शन कर दिया। अभी हम इसको गाड़ी में लगा के चेक करेंगे ये ठीक है कि कुछ और गड़बड़ है इसमें, ठीक है। तो हम इसका स्क्रू अभी नहीं लगाएंगे, तो हम पहले इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए हमने ये जो यूएसबी सिस्टम है इसको हमने लगा लिया, अभी हम गाड़ी में इसको बजा के दिखाएंगे। हमने कार में इंस्टॉल कर लिया है, तो हम इसको पहले लाइन देंगे, लाइन देने के बाद देखेंगे इसमें साउंड वगैरह ठीक है कि नहीं। तो पहले इसको हम ऑन कर लेते हैं, ये हमारा ऑन हो गया, ठीक है। तो प्ले बाय यूएसबी ड्राइव, देखिए ये बोल भी रहा है, बढ़िया से काम कर रहा है। ये साउंड वगैरह तो हम आपको साउंड भी नहीं सुना सकते क्योंकि वीडियो में कॉपीराइट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हमने इसका पेन ड्राइव सिस्टम इसमें बना लिया। तो इसके बारे में अगर कई किसी को पूछना चाहते हैं कुछ, तो मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट लिख सकते हैं, तो ठीक है। देखिए बढ़िया से मैंने इसको बना लिया, इसमें ऑक्स भी आ गया, FM भी आ गया, और इसके बाद प्ले बाय यूएसबी ड्राइव ब्लूटूथ भी है इसमें, FM मोड, ब्लूटूथ मोड, देखिए इसमें ब्लूटूथ भी बोल रहा है, ठीक है। तो हमने इसमें यूएसबी सिस्टम बना लिया। तो इसका सीडी सिस्टम भी खराब होगा, ये सीडी इसका, ये तो आजकल सीडी तो मिलता नहीं है, तो यहाँ पे ऑक्स में से बजा सकते हैं। ऑक्स में से अगर बजाएंगे तो आपका मोबाइल हमेशा यहाँ पे लगा रहना होगा, तो हमको मोबाइल के लिए ज़रूरत नहीं है, हमने इसमें पेन ड्राइव सिस्टम इसीलिए लगाया है, ठीक है। तो हम इसमें पेन ड्राइव डालेंगे, देखिए प्ले बाय यूएसबी ड्राइव, देखिए बढ़िया से काम कर रहा है, साउंड भी बढ़िया है। तो आज के लिए इतना ही, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मेरे चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको नए नए वीडियो हम रोज़ की रोज़ देते रहे। थैंक यू।